सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्बन लेजेंड्स की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। और ये देखिए अरे यार, आधे से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं है। कर दो यार, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर भी वीडियो जो है वो आने वाली है। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियाँ जो हैं वो शुरू हो रही हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप में से किसी को नहीं पता कि आखिर अर्बन लेजेंड्स होते क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। अर्बन लेजेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, भारत में बुरी शक्तियों को कई सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसे कोई चुड़ैल, कोई डायन, कोई पिशाच और भी कई तरह के नाम। सबके अलग अलग तरह के नाम होते हैं और ताकतें होती हैं। वैसे ही दुनिया भर में कई सारे अर्बन लेजेंड्स मशहूर होते हैं, जिनके किस्से कहानियां वहां के लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। और आज मैं दुनिया भर से कई सारे अर्बन लेजेंड्स की कहानियां आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अर्बन लेजेंड, एल सेल्बॉन। वेनेजुएला के जंगलों में कहा जाता है, अगर आप रात के वक्त जंगलों में घूम रहे हैं और तभी अचानक से आपको सीटी की आवाज सुनाई दे और तभी ठंडी हवा चलने लग जाए, तब आप समझ जाइए कि आप काफी बड़े खतरे में हैं, क्योंकि आपके आसपास हो सकता है एल सेल्बॉन। एल सेल्बॉन एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पतला है और काफी ज्यादा डरावना है। उसका शरीर काफी ज्यादा पतला है, लेकिन उसकी लंबाई काफी ज्यादा है। कहा जाता है वेनेजुएला के जंगलों में रात के वक्त एल सेल्बॉन घूमता है। वो दिखने में काफी ज्यादा पतला होता है और वो अपनी पीठ पर एक बोरी टांग कर इधर से उधर घूमता रहता है, और अगर आप उसे मिल गए तो वो आपकी जान ले लेगा और आपको मार के आपकी लाश के टुकड़े करके वो उन टुकड़ों को अपनी बोरी में डालकर वहां से ले जाएगा। तो आखिर एल सेल्बॉन है कौन? कहा जाता है कि वेनेजुएला के जंगलों में एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक आदमी, उसकी बीवी और उसका एक बेटा था। वो जो आदमी था वो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो उसकी हर छोटी बड़ी गलती को हंसकर टाल देता था और कभी भी अपने बेटे को डांटता नहीं था। उसका बेटा जो भी बोलता उसका पिता वैसा ही करता। उसका पिता उसकी सारी बातें मानता, उसकी सारी जिदें पूरी करता। ऐसे ही धीरे धीरे उसके पिता ने, उस आदमी ने अपने बेटे की परवरिश ऐसे ही करी और वो बड़ा हो गया। और तभी एक दिन आया, तब उस आदमी के बेटे ने कहा, पापा मुझे हिरन का दिल खाना है। जब ये बात उस आदमी ने सुनी तब उसने बाहर देखा और बाहर काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था। उसके बाद उस आदमी ने कहा, बेटा अंधेरा ज्यादा हो गया है, अब शिकार नहीं हो पाएगा, मैं कल लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, कल खा लेना। और फिर उस आदमी के बेटे ने कहा, पापा मुझे आज ही हिरन का दिल खाना है। और फिर से उस आदमी ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसका जो बेटा था वो माना नहीं। वो काफी ज्यादा अड़ियल और जिद्दी था, और फिर बेटे की जिद के आगे हार मानकर उस आदमी ने कहा, ठीक है तुम यहीं पर रहना, मैं आता हूं। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था, फिर भी अपने बेटे की इच्छा के लिए वो आदमी जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। और काफी देर वो इधर से उधर जंगल में भटकता रहा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कोई हिरण मिला नहीं। शिकार करने के दौरान वो एक गड्ढे में गिर गया, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लग गई। और चोट लगने के बाद वो वहीं पर काफी देर तक पड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। काफी वक्त बीत गया
और उसका जो बेटा था वो घर में इंतजार कर रहा था। तभी उससे लड़के की जो मम्मी थी यानी कि उस आदमी की वाइफ, उसने कहा, बेटा जाओ देखो पापा अभी तक आए नहीं है, मौसम भी खराब है, आखिर कहाँ रह गए। और फिर उस आदमी का बेटा घर से निकला और जंगलों की तरफ गया। जंगलों में वो जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसके पिता काफी घायल हालत में वहां से आ रहे थे। और वो भागता हुआ अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता से पूछा, क्या आप हिरण का दिल लेकर आए? और फिर ये सुनकर उस आदमी को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो खुद काफी जख्मी हालत में था और उसका बेटा उसके बारे में पूछने के बजाय हिरण के दिल के बारे में पूछ रहा था। और फिर उस आदमी ने कहा, बेटा शिकार करते हुए शिकार तो नहीं मिला, मैं गिर गया खराब मौसम की वजह से, घायल हो गया, इसलिए शिकार तो मैं नहीं कर पाया। मैं तुम्हें कल हिरन का दिल ला कर दे दूंगा। जैसे ही ये बात उस अड़ियल और घमंडी बेटे ने सुनी, तब उसके सर पर खून सवार हो गया और उसने अपने पिता को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसके पिता सुनते रहे और रोते रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने परवरिश में क्या कमी छोड़ दी जो उनका बेटा उन्हें इतना बुरा भला कह रहा था, वो भी एक हिरन के दिल के लिए। बुरा भला बोलने से उस बेटे का दिल नहीं भरा और उसने अपने पिता पर वार कर दिया। और उसके बाद उसने जो किया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने के लिए काफी था। उस अड़ियल और घमंडी बेटे ने अपने ही पिता को जान से मार दिया। उसके पिता चाहते तो आसानी से अपनी जान बचा सकते थे, अपनी रक्षा करके वो अपने बेटे को मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन बेटे के प्यार ने उन्हें अंधा कर दिया था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उस जालिम बेटे ने अपने ही पिता को जान से मार दिया। और उसके बाद उसने अपने पिता का ही दिल निकाल लिया। और अपने पिता का दिल निकालने के बाद वो अपने हाथों में अपने पिता का दिल लेकर अपने घर में पहुंचा। उसकी जो मम्मी थी वो रसोई घर में इंतजार कर रही थी। और फिर उसका बेटा आया और उसने कहा, माँ इसको पकाओ, मुझे काफी भूख लगी है। और जब उसकी माँ ने उस दिल को देखा, तब उसे इतना तो पता चल गया कि यह कोई जानवर का दिल तो नहीं है। और फिर उसकी माँ ने पूछा, बेटा ये किसका दिल है? आज तक तो कभी नहीं देखा किसी जानवर का दिल ऐसा हो। और फिर उसके बेटे ने हंसते हुए कहा, ये दिल पापा का है। और जब ये बात उसकी मां ने सुनी, तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने कहा, क्या क्या बकवास कर रहा है? और फिर से उसके बेटे ने कहा, सच कह रहा हूं माँ, पिताजी का दिल है। उसकी मां रोते हुए रसोई घर से भागी और भागते हुए अपने ससुर के पास गई और रोते हुए उसकी मां ने सारी बातें बताई। उसके ससुर यानी कि उस लड़के के दादाजी ने जब यह बात सुनी, तब उनका जो खून था वो खौल गया और वो जो थे वो उस गांव के मुखिया थे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और आदमियों को भेजा जंगल में। जब गांव वाले जंगल में गए तो उन्हें उस आदमी की लाश मिली और वो लाश को लेकर गांव में आए। जब गांव के मुखिया ने अपने बेटे की लाश को अपनी आंखों के सामने देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोए। और उन्होंने गुस्से में कहा, उस दरिंदे को मेरे सामने लेकर आओ। गांव के आदमी सारे गए और उस जालिम बेटे को लेकर आए। और फिर गांव के मुखिया ने कहा, सबसे पहले इसके हाथ तोड़ दो दोनों। गांव के लोगों ने ऐसा ही किया, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। और उसके बाद गांव के मुखिया ने कहा, अब इसकी पीठ पर 100 कोड़े मारो। गांव के लोगों ने ऐसा ही किया, उसे दरिंदे बेटे पर 100 कोड़े बरसाए गए। और 100 कोड़े बरसाने के बाद उस दरिंदे बेटे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। और उसके बाद उस गांव के मुखिया ने कहा,
अब इसके जख्मों को शराब से साफ करो और उसके शरीर पर जितने भी जख्म लगे थे सारे जख्मों को शराब से धोया गया और यह काफी ज्यादा दर्दनाक था। गांव के मुखिया ने अपने बेटे की अंतिम संस्कार की जो विधियां थी उन्हें पूरा किया और जो हड्डियां बची उन्हें एक बोरे में इकट्ठा करके उस दरिंदे हैवान बेटे को दे दिया। और फिर गांव के मुखिया ने कहा, जब तक ये दुनिया है, जब तक ये संसार में जीवन है, तब तक तू अपने पिता की अस्थियों को लेकर जंगल में इधर से उधर भटकता रहेगा, इसी दर्द को सहता हुआ। ये कहकर गांव के मुखिया ने उसे दरिंदे के पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए और वो शिकारी कुत्ते काफी ज्यादा भूखे थे। उन शिकारी कुत्तों से जान बचाते बचाते वो हैवान वहां से भागा और काफी आगे तक भागा, लेकिन घायल शरीर के साथ तड़पता हुआ वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और आखिरकार उसने हार मान ली और वो जमीन पर गिर गया। उन शिकारी कुत्तों ने उस हैवान को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद से कहा जाता है उसे हैवान बेटे की आत्मा अपने पिता की अस्थियों को लेकर पूरे जंगल में इधर से उधर भटकती रहती है और रात के वक्त सीटी बजाती है और लोगों ने उसे हैवान दरिंदे बेटे को नाम दिया एल सेल्बॉर्न। तो ये कहानी थी एल सेल्बॉर्न की। तो आप मुझे बताइए कि आप मिलना चाहेंगे एल सेल्बॉर्न से। अब ध्यान रखिएगा, किसी अंधेरे जंगल में आपको सीटी की आवाज सुनाई दे तो हो सकता है एल सेल्बॉर्न के अगले शिकार आप बन जाएं। अगली अर्बन लेजेंड है ला लायोराना। मैक्सिको में कहा जाता है एक मारिया नाम की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उससे गांव का हर लड़का शादी करना चाहता था। उसे गांव का कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था। वो धीरे धीरे जवान हो रही थी और उसकी शादी की जो उम्र थी वो भी हो रही थी। तभी उसके गांव में एक लड़का आया जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा था और पहली ही नजर में मारिया को उससे प्यार हो गया। और जब मारिया को उससे प्यार हुआ तो उसने फैसला कर लिया था कि वो शादी तो उसी लड़के से करेगी। वो जो लड़का था उसने भी मारिया को देखा और मारिया उसे पसंद आ गई। दोनों के बीच में बातचीत होने लगी और धीरे ही धीरे मारिया भी खूबसूरत ही थी तो उस लड़के को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी शादी से। उसने भी शादी के लिए हाँ कह दी और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उन दोनों के दो बच्चे हुए। जैसे हर घर में होता है वैसे ही उनके घर में भी हो रहा था। वो लड़का शाम को वापस आता और सुबह काम करने के लिए चला जाता। तभी एक दिन मारिया अपने दोनों बच्चों के साथ नदी के पास पानी भरने के लिए गई और वो पानी भरी रही थी। तभी उसने जो देखा उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसका जो पति था यानी कि वो लड़का वो किसी और लड़की से बात कर रहा था और बात करते करते उसका पति और वो दूसरी लड़की दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए और मारिया को पता चल गया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। और जब ये बात मारिया को पता चली तो उसका जो दिमाग था वो पूरी तरह से खराब हो गया। उसकी जो बुद्धि थी वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने फैसला किया कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी। इसलिए उसने अपने दोनों बच्चों को नदी के पानी में डुबाकर मार दिया और खुद भी उस पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि जब मरने के बाद वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो वहां के जो गार्ड्स थे उन्होंने पूछा, तुम्हारे तो दो बच्चे भी थे, वो कहां पर है? जिसके जवाब में मारिया ने कहा, मैंने अपने बच्चों को डुबाकर मार दिया, उसके बाद वो कहां गए इस बात का
मुझे नहीं पता। और जब ये बात उन्होंने सुनी तब वो इतने ज्यादा गुस्सा हुए, उन्होंने कहा, क्या तुमने अपने ही बच्चों को डुबाकर मार दिया? तुम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हो, तुम्हारे जैसे हैवानों की कोई जगह नहीं है। तुमने मां और संतान का जो रिश्ता था वो पूरी तरह से बदनाम करके रख दिया। जाओ, जब तक तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर यहां पर नहीं आओगी तब तक तुम्हें प्रवेश द्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, तब तक तुम धरती पर ही भटकोगी। यह कहकर उन्होंने मारिया को धरती पर फेंक दिया और मारिया इधर से उधर भटकने लगी अपने बच्चों की तलाश में। कहते हैं कि आज भी किसी भी नदी के किनारे अगर आपको किसी रोती हुई औरत की आवाज सुनाई दे तो आप वहां से तुरंत भाग जाइए, क्योंकि हो सकता है वो रोती हुई आवाज मारिया की हो जो कि अपने बच्चों की याद में रो रही हो, और अगर आप उसके पास गए तो वो आपको जान से मार देगी। और सबसे ज्यादा खतरा तो उस मारिया से छोटे बच्चों को होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चों को देखते ही उन्हें अपना बच्चा समझ लेती और उन्हें जान से मार देती है ताकि वो उनकी आत्मा को लेकर स्वर्ग में जा सके। तो ये कहानी थी इस अर्बन लेजेंड की जिसका नाम था ला लायोराना। अगली अर्बन लेजेंड ब्लडी मैरी। अब आप में से कई सारे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम तो जरूर ही सुना होगा, तो चलिए आज मैं आपको इस अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाता हूं। कहते हैं कि कई सालों पहले एक गांव में कई सारे लोग खुशी खुशी रहा करते थे, और वहां हर कोई एक दूसरे के सुख दर्द का साथी था, वो एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। लेकिन उस गांव से थोड़ा दूर एक जंगल था और उस जंगल में एक टूटा फूटा घर था जिसमें एक मैरी नाम की औरत रहा करती थी, और उस मैरी नाम की औरत से पूरा गांव जो था वो काफी ज्यादा डरता था, क्योंकि गांव वालों को लगता था कि वो जो मैरी है वो जादू टोना करती है, इसलिए कोई भी उस जंगल के आसपास जाने से भी डरता था। ऐसे ही कई दिन बीतते गए, लेकिन अचानक से उस गांव के जो बच्चे थे वो गांव से गायब होने लगे और वो कहां जाते थे इस बात का कोई पता नहीं लग पाता था। गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए, और जब गांव वाले परेशान हुए तो उन्होंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उन्हें गायब हुए बच्चों का नामो निशान नहीं मिला। और उसके बाद सिर्फ एक ही जगह बच गई जहां पर उन्होंने खोजबीन नहीं करी थी, और वो जगह थी ब्लडी मैरी का वो जंगल। बच्चे खो गए थे और ये काफी गंभीर बात थी, इसलिए उन्होंने हिम्मत करी। हिम्मत करने के बाद गांव के जो आदमी थे वो सब उस जंगल में गए और उन्होंने ब्लडी मैरी के घर को देखा, और वो सारे उसके घर में घुस गए। और उन्होंने जब वहां का नजारा देखा तो वो नजारा देखकर उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा कि उस मैरी ने कई सारे बच्चों को मार दिया था, उसने कई सारे बच्चों की जो बलि थी वो चढ़ा दी थी, और उन बच्चों की जो लाशें थी वो घर में इधर उधर सड़ रही थी। जब गांव के लोगों ने ये सब देखा तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, और उन्होंने मैरी को पकड़कर खूब मारा, और मारने के बाद उसे गांव के बीच चौराहे पर लेकर आए। उन्होंने मैरी को मार मार कर अधवरा कर दिया और चौराहे पर एक डंडे के सहारे उसे बांध दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। पूरे गांव के सामने वो मैरी धू धू करके जल गई, लेकिन वो मरते मरते कह गई, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी, जो भी मेरा नाम लेगा मुझे याद करेगा, मैं आऊंगी और पूरे गांव को मिटा दूंगी। उसके बाद से गांव वालों ने वो गांव खाली कर दिया और कहीं और पे अपना गांव बसा लिया। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर आप मैरी को याद करते हो और शीशे के सामने खड़े होकर एक मोमबत्ती लेकर तीन बार ब्लडी मैरी कहते हो और उसे बुलाते हो तो वो जरूर आएगी।
ऐसा ट्राई मत कर लेना भाई, मत करना ट्राई। ऐसी चीजों से पंगा लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अर्बन लेजेंड की तरफ, बात करते हैं अगले अर्बन लेजेंड के बारे में, और इस अर्बन लेजेंड का नाम है कुची साके उना। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस अर्बन लेजेंड के बारे में सुना हो और कई लोग जानते भी हो। तो चलिए जानते हैं इसकी असली कहानी के बारे में, आखिर कुची साके उना है कौन। कहा जाता है कि जापान में कई सालों पहले एक औरत हुआ करती थी, और वो औरत काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पे काफी ज्यादा घमंड था, और उस औरत का जो पति था वो एक सैनिक था। वो युद्ध में जाता रहता था, जिसकी वजह से वो घर पर काफी कम रह पाता था। वो काफी कम बार ही घर पर आता था, वरना उसका आधे से ज्यादा वक्त युद्ध में ही बीत जाता था। और एक दिन युद्ध खत्म होने के बाद वो घर पर वापस आया। वो काफी ज्यादा थका हुआ था। वो जब अपने घर पे पहुंचा तब उसने ध्यान दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने बिना कोई आवाज किए घर के अंदर घुसने का फैसला किया, और वो घर के अंदर घुस भी गया। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा और उसने जो घर के अंदर का नजारा देखा, उसे देखकर उसकी जो आंखें थी वो गुस्से से लाल हो गई। उसने देखा उसकी जो वाइफ थी, यानी कि वो औरत किसी और आदमी के साथ हम बिस्तर हो रही थी। और जब ये नजारा उस औरत के पति ने देखा तो उसने अपनी तलवार निकाली, और वो जो आदमी था जिसके साथ उसकी वाइफ का चक्कर चल रहा था, सबसे पहले उसने उसे जान से मार दिया। और उसके बाद उसने अपनी वाइफ से कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी जैसी चरित्रहीन औरत की कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। यह कहकर उस आदमी ने अपनी तलवार निकाली और अपनी तलवार से उस औरत के चेहरे पर वार किया, और उसका जो चेहरा था वो आधा कट गया। वार जो था वो उसके सीधा मुंह पर हुआ था, और उसका जो मुंह था वो पूरी तरह से खराब हो गया था। और फिर उसके पति ने कहा, अब बोल चरित्रहीन, कौन बोलेगा तुझे खूबसूरत। ये कहकर उस औरत का पति वहां से चला गया, और काफी देर तड़पने के बाद उस औरत की मौत हो गई। उसके बाद कहा जाने लगा कि अंधेरी गुमनाम सड़कों पर लोगों को एक औरत मिलती है, और उसके हाथ में एक कैंची होती है। वो लोगों को जाकर एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं। उसने अपने फेस पर सर्जिकल मास्क पहना होता है, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस दिखता नहीं है, तो देखने वाले को उसकी जो आंखें थी वो खूबसूरत लगती हैं, और वो हाँ कह देता है। और उसके बाद वो जो औरत है वो अपना सर्जिकल मास्क उतारती है और अपना पूरा कटा हुआ चेहरा दिखाती है, और उसके बाद फिर से पूछती है, क्या मैं अब भी सुंदर हूं। और अगर कोई डर कर ना बोल देता है तो वो औरत उसे तुरंत जान से मार देती है। और उसके बाद कोई हिम्मत करके फिर भी हाँ बोल देता है तो वो औरत अपनी तरह उस आदमी का चेहरा भी बीच में से काट देती है, जिससे जाहिर सी बात है उस आदमी की मौत हो जाती है। तो दोनों ही जवाबों में मौत तो है वो पक्की है। कई लोग कहते हैं कि इससे बचने का जो एक रास्ता है वो है, जब भी वो दिखे तो उससे तुरंत दूर भाग जाओ, या फिर अगर वो आपसे सवाल पूछ ले तो आप बदले में कोई सर घुमाने वाला सवाल उससे पूछ लो। तो ये कहानी थी अर्बन लेजेंड कुची साके उना की। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अर्बन लेजेंड की तरफ। वीडियो पसंद आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और कमेंट नहीं किया है तो कमेंट ज़रूर से कर देना, कहानी और आवाज़ आपको कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अगली अर्बन लेजेंड का नाम है टेके टेके। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भी एक अर्बन लेजेंड है, और कहा जाता है कि कई सालों पहले एक स्टूडेंट, एक लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा शाय हुआ करती थी, उसे नए लोगों से घुलना मिलना काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं था। वो दूसरे लोगों से काफ़ी दूर रहती थी और अकेला रहना ही पसंद करती थी। लेकिन उसके कुछ दोस्त थे, उसकी ज़िंदगी भी एक आम स्टूडेंट की तरह थी, रोज़ स्कूल आना जाना और पढ़ाई करना। वो रोज़ ट्रेन से अपने घर आती जाती थी। तभी एक दिन, कहा जाता है कि वो रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, और तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ पर आए और उन दोस्तों को मजाक सूझी। तभी उन्होंने मजाक ही मजाक में एक अजीब से दिखने वाले कीड़े को उस लड़की के कंधे पर रख दिया और कहा, सुना, ये देख तेरे कंधे पर क्या है। और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी, तब उसने अपने कंधे पर देखा और उसने वो अजीब सा दिखने वाला कीड़ा देखा, और वो कीड़ा काफी अजीब दिखता था, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा घबरा गई। उसे कीड़ों से सख्त नफरत थी और उसे कीड़ों से डर भी लगता था, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए वहां से दौड़ पड़ी और गलती से वो रेल की पटरी पर गिर गई। और उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसी वक्त ट्रेन आ गई, और ट्रेन के नीचे आ जाने की वजह से उसका जो आधा शरीर था वो कट गया, और काफ़ी खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद से लोगों का कहना है कि उस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की जिसका आधा शरीर गायब होता है, वो रेलवे स्टेशन पर घूमती है, और जो भी रात के वक्त रेलवे स्टेशन पर अकेला होता है वो उसे आकर पूछती है, मेरा आधा शरीर कहाँ है। और जो कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता, वो उसे काफ़ी बुरी मौत मार देती है। और सब उस आत्मा को अर्बन लेजेंड टेके टेके नाम से बुलाने लगे। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगले अर्बन लेजेंड के बारे में। और अगला अर्बन लेजेंड है मुंह नोचवा। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, ये इंडिया का अर्बन लेजेंड है। जी हाँ, ये इंडिया का अर्बन लेजेंड है। 2000 के करीब, तकरीबन सन 2000 के करीब, एक बात जो है वो काफ़ी फैल रही थी। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे केसेस नज़र आ रहे थे जहाँ पर लोगों का दावा था कि एक अजीब सी चीज़ रात के वक्त उनके चेहरे पर हमला कर देती है और पूरा जो चेहरा है उसे नोच लेती है। और उस चीज़ का खौफ लोगों में इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। और अगर आप 24-25 साल के हैं तो शायद आपको याद भी होगा, लोगों ने डर के मारे उस अजीब से दिखने वाली चीज़ को मुंह नोचवा नाम दिया, और कई गांव वाले तो घर पर खड़े होकर थाली पीटते थे ताकि वो जो मुंह नोचवा है वो उनसे और उनके गांव से दूर रहे। और अगर आप गांव में आज भी जाकर किसी से मुंह नोचवा के बारे में पूछ लेंगे तो आपको कई सारी घटनाएं सुनने को मिल जाएंगी जिसमें मुंह नोचवा का जिक्र होगा। आपको क्या लगता है मुंह नोचवा के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको याद है मुंह नोचवा के बारे में तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अर्बन लेजेंड की तरफ, और वो है वेंडिगो। हाँ, वेंडिगो जिसकी कहानियाँ मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ। वेंडिगो एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो कि एक आदमखोर है। यूनाइटेड स्टेट्स की कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर माना जाता है कि वेंडिगो एक बुरी आत्मा होती है, और वो लालची इंसानों को ढूंढती है, और वो लालची इंसानों पर कब्जा कर लेती है, और जो भी उस बुरी शक्ति के कब्जे में आ जाता है वो आदमखोर बन जाता है। उसे इंसानी मांस की भूख लगने लगती है,
और वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की भी जान ले लेता है। उसे इंसानी मांस की इतनी ज्यादा भूख लगती है कि मांस ना मिलने पर वो खुद का ही मांस खाने लगता है, जिसकी वजह से उसका शरीर काफी ज्यादा पतला होता है और वो दिखने में काफी ज्यादा भयानक और डरावना होता है। आज भी अमेरिका में कई ऐसी कहानियां जो हैं वो मौजूद हैं और उन्हें सुनाया जाता है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर वेंडिगो होने का दावा किया जाता है। अगर आपको वेंडिगो की कहानियां सुननी हैं तो मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर सुन सकते हैं। तो ये कहानियां थी अर्बन लेजेंड्स की। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कहानियां पसंद आई होंगी। तो अभी जो है वो मैंने दो अर्बन लेजेंड्स की कहानियां जो हैं वो एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं और उन वीडियोस को मैंने कंबाइन कर दिया है। तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप ज़रूर से सुन लीजिएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन है, तो उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो चलिए मैं चलता हूँ, तब तक आप जो दो अर्बन लेजेंड है जेफ द किलर और द रेक उसकी कहानियाँ सुन लीजिए और मैं आपके लिए दूसरी कहानियां तैयार करता हूं। पहली कहानी, और ये कहानी है जेफ द किलर की, जिसने अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। एक परिवार जो कि नया नया एक शहर में आया था, उस परिवार में दो भाई थे और उनके माता पिता। बड़े बेटे की उम्र तकरीबन 18 साल थी और उस बड़े बेटे का नाम था जेफ। पढ़ाई लिखाई में जेफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता भी था, जिसकी वजह से लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जेफ का एक छोटा भाई था जिसे जेफ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सेम सी थी। वो दोनों सुबह सुबह रोज स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस घर आ जाते थे। लेकिन फिर आया एक ऐसा दिन जिसने जेफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सुबह सुबह एक ज़रूरी काम से जेफ और उसका भाई कहीं जा रहे थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पर जेफ और उसके भाई को कुछ बदमाश गुंडे मिले और जब उन सभी बदमाशों ने जेफ और उसके भाई को वहाँ से गुजरते हुए देखा, तब उन बदमाशों में से एक बदमाश ने जेफ से कहा, हे लड़के इधर आ। हाँ तुझे ही कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या, जेफ ने उस बदमाश से कहा। देखो अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हैं। जिसके जवाब में उस बदमाश गुंडे ने कहा, अबे ओ ज़्यादा शाणपत्ती मत कर, मैंने कहा ना इधर आ तो इधर आ वरना। जेफ उस बदमाश के पास जाने लगा, लेकिन तभी उसके छोटे भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस बदमाश ने जेफ से कहा, तुम दोनों को पहले तो नहीं देखा, क्या नाम है तुम्हारा? और फिर जेफ ने जवाब दिया, मेरा नाम जेफ है और मैं यहां पे नया नया रहने आया हूं और अभी हमें जाना है, हमें कोई जरूरी काम है, फिर कभी मिलते हैं। ये कहकर जेफ और उसका भाई वहां से जाने लगे, लेकिन उन बदमाशों ने जेफ को पकड़ लिया और उस बदमाश ने फिर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के यहां से हिलने की? सुन मेरी बात, ये पूरा इलाका मेरा है, अगर यहां रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, समझा? जेफ का जो छोटा भाई था वो काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन जेफ के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसे फिक्र इस बात की थी कि उसे जो जरूरी काम था उसका वक्त निकला जा रहा था। जेफ ने एक बार फिर बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मैं जानना भी नहीं चाहता,
इस वक्त मेरे लिए जरूरी यह है कि जो मेरा जरूरी काम है उसे मैं निपटाऊं, और अभी मुझे जाना है। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। और जब ये बात उस बदमाश ने सुनी तब उसने जेफ की कॉलर पकड़ते हुए कहा, अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं जाने दिया तो क्या करेगा? हाँ, जेफ ने फिर उस बदमाश से कहा, देखो मुझे जाने दो, मुझे और मेरे भाई को कुछ जरूरी काम है, और मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस बदमाश ने जेफ के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से जेफ का जो छोटा भाई था वो काफी ज्यादा घबरा गया और रोने लगा। वो जो बदमाश थे वो काफी ज्यादा थे, और जेफ और उसका भाई अकेले थे। जेफ ने शांति से मामले को निपटाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो जो बदमाश थे वो बातों से नहीं मानने वाले थे। वो सब मिलकर जेफ को काफी बुरी तरह से मारने लगे। जेफ मार खाता रहा, लेकिन तभी अचानक से उन बदमाशों में से किसी बदमाश ने जेफ के छोटे भाई का कॉलर पकड़ लिया और उसके ऊपर हाथ उठा दिया। जेफ ने जब अपने छोटे भाई को मार खाते हुए देखा तब उसका जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया, और उसके बाद वहां पर जितने भी बदमाश थे जेफ उन सब से भिड़ गया। जेफ को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी, और उसने उन सारे बदमाशों को मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जेफ उन सब पर भारी पड़ने लगा, और वो जो बदमाश थे वो समझ गए कि उन्होंने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है। जेफ ने सभी बदमाशों से कहा, सही कहते हैं, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, निकल जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो, वरना जितना मारा है उससे और भी ज्यादा मारूंगा। वो सारे बदमाश घायल हो गए थे, और तभी उनमें से एक बदमाश ने कहा, तुझे पता नहीं है तूने किसके ऊपर हाथ उठाया है, ये पूरा इलाका मेरा है, तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना हम तुझे सबक जरूर सिखाएंगे। ये कहकर वो सारे बदमाश वहां से भाग गए, और जेफ अपने छोटे भाई के पास गया। जेफ ने अपने छोटे भाई से कहा, छोटे क्या तुम ठीक हो? उसके छोटे भाई के मुंह से खून निकल रहा था, और जेफ ने वो खून पोंछते हुए कहा, माफ करना, मुझे लगा कि तुम्हारे सामने लड़ाई करनी अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैं लड़ नहीं रहा था, और मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, मुझे पहले ही लड़ लेना चाहिए था। और फिर जेफ के छोटे भाई ने कहा, कोई बात नहीं भैया, वैसे आपने उन बदमाशों को बहुत अच्छा मारा, मजा आ गया देखकर, एकदम हॉलीवुड की पिक्चर की तरह आपने उन सभी को मारा, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बड़े होकर मैं आपकी तरह ही बनूंगा। और फिर जब जेफ ने यह बात सुनी तब जेफ के चेहरे पर एक मुस्कान आई, और जेफ ने कहा, हाँ हाँ जरूर बनना, चलो अब मेरे साथ। जेफ और उसका छोटा भाई अपना काम निपटाने के लिए रास्ते में आगे बढ़ गए। वो दोनों चल चल के काफी ज्यादा थक गए थे, तभी जेफ के छोटे भाई ने कहा, भैया और कितना दूर है? जिसके जवाब में जेफ ने कहा, थोड़ा दूर और है, चलो अभी। वो दोनों भाई आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, तभी उन दोनों को पीछे से एक आवाज आई, अबे ओए इधर देख। जेफ और उसका छोटा भाई जैसे ही पीछे मुड़े तभी उन्होंने देखा कि वो जितने भी बदमाश थे वो सब पीछे की ओर खड़े थे, और उन सभी बदमाशों ने हंसते हुए जेफ को देखना शुरू कर दिया। जेफ और उसके छोटे भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जेफ को समझ आ गया था कि वो वापस से लड़ने के लिए आए हैं, इसलिए उसने अपने भाई को पीछे कर दिया और खुद आगे हो गया। तभी अचानक से उनमें से एक बदमाश ने जेफ के चेहरे पर कुछ फेंक दिया, जिसकी वजह से जेफ का जो चेहरा था
वो काफी बुरी तरह से चलने लगा और जेफ पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। जेफ वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते जमीन पर गिर गया और जेफ का जो छोटा भाई था वो रोने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बड़े भाई के साथ हुआ क्या है। जेफ सिर्फ पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वो सारे बदमाश हंसने लगे। उन सभी बदमाशों ने हंसते हुए कहा, देख लिया हमसे पंगा लेने का अंजाम, अब भुगत, हमें मारेगा, चलो चलो यहां से। वो सारे बदमाश वहां से चले गए और जेफ वहीं पर चीखता चिल्लाता रहा। वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। जेफ का छोटा भाई बहुत ही ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से वो अपने बड़े भाई को उठा तक नहीं पा रहा था और जेफ दर्द से चिल्ला रहा था। बाद में जब जेफ के चेहरे से खून निकलने लगा, तब जेफ के छोटे भाई को पता चल गया कि उन बदमाशों ने जेफ के चेहरे पर एसिड फेंका है, जिसकी वजह से पूरा चेहरा बर्बाद सा हो गया था। लेकिन जेफ का जो छोटा भाई था वो जैसे तैसे अपने भाई को अपने कंधों पर उठाकर वहां से हॉस्पिटल की तरफ भागने लगा। काफी देर भागने के बाद वो एक रोड पर जाकर गिर गया, जहां पर आम लोगों ने उन दोनों भाइयों को देखा और जब उन्होंने जेफ की हालत देखी तब उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस वहां पर आई। जेफ की चीखें काफी दूर दूर तक गूंज रही थी क्योंकि चेहरा काफी ज्यादा उसका जल रहा था और जेफ दर्द से परेशान हो गया था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जेफ के पेरेंट्स को कॉल किया गया। जेफ के पेरेंट्स भागते हुए हॉस्पिटल में आए और जेफ का जो छोटा भाई था उसने सारी बातें बताई। डॉक्टर्स ने जेफ का इलाज काफी लंबे समय तक किया और जब जेफ जब होश में आया तब डॉक्टर ने जेफ से कहा, ओ जेफ, आखिरकार तुम होश में आई क्या? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कब तुम होश में आओ। जेफ ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ये मेरा पूरा चेहरा, ये पट्टी पूरे चेहरे पर बंधी हुई है, क्या मेरा चेहरा ठीक है? जिसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, जेफ देखो तुम्हारे चेहरे पर काफी डैमेज हुआ है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुम्हारा चेहरा जो है वो रिकवर हो जाए, बस तुम्हें ये जो पट्टी है वो उतारनी नहीं, तुम्हें वक्त वक्त पर हॉस्पिटल आना है और पट्टी जो है वो चेंज होती रहेगी, बस तुम्हें थोड़ी पेशेंस रखनी है और कुछ भी हो जाए ये जो पट्टी बंधी है तुम्हारे फेस पे उसे तुम्हें छेड़ना नहीं, समझे? जेफ को अपने चेहरे से बहुत ज्यादा प्यार था। जेफ ने डॉक्टर से एक और बार पूछा, हाँ डॉक्टर आप ठीक कह रहे हैं बट चेहरा मुझे काफी घबराहट हो रही है, काफी डर सा लग रहा है, मेरा चेहरा ठीक है कि नहीं? और फिर डॉक्टर ने कहा, देखो जेफ मैंने पूरी कोशिश करी है तुम्हारे चेहरे को रिकवर करने की और ट्रीटमेंट के बाद जितना हो सकेगा उतना तुम्हारा चेहरा ठीक कर दिया जाएगा। जेफ का काफी दिनों तक इलाज चला और फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे वार्निंग दी गई थी कि पट्टी को छेड़ना नहीं। जेफ के पेरेंट्स जेफ को घर लेकर आ गए और जेफ पूरा दिन आराम करने लगा। दिन रात उसको सिर्फ एक ही फिक्र सताती थी कि आखिर उसका चेहरा कैसा दिख रहा होगा। उसे अपने चेहरे से बहुत ज्यादा प्यार था और जब जब वो अपने चेहरे पर पट्टी बंधी हुई देखता था तब तब उसे अपने आप से डर लगने लगता था। वो अंदर ही अंदर टूट सा गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। उसे कई रातों तक नींद भी नहीं आती थी। नींद की कई सारी गोलियां लेने के बाद वो मुश्किल से सो पाता था, लेकिन एक रात फिर ऐसी आई जिस दिन नींद की गोलियां भी जेफ के किसी काम नहीं आई। जेफ ने ढेर सारी गोलियां नींद की खा ली लेकिन उसे नींद फिर भी नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ टेंशन हो रही थी कि आखिर वो कैसा दिख रहा होगा। उसके दिमाग में आ रहा था क्यों ना एक बार पट्टी उतार के देख ली जाए कि आखिर चेहरे का आखिर हाल क्या है। आधी रात तक
जेफ सिर्फ यही सोचता रहा कि आखिर चेहरा कैसा दिख रहा होगा, चेहरा ठीक होगा या नहीं होगा। और आखिरकार उसका सब्र का जो बांध था वो टूट गया। उसके सब्र ने जवाब दे दिया और वो उठकर बाथरूम के अंदर चला गया। उसने अपने बाथरूम की जो लाइटें थी उसे ऑन किया और लाइट्स ऑन करने के बाद उसने अपने आप को शीशे में देखा। उसका जो पूरा चेहरा था वो पट्टी से ढका हुआ था। उसने हिम्मत करके पट्टी को उतारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पट्टी को उतार रहा था और उसका चेहरा सामने आ रहा था, वैसे वैसे जेफ का जो दिल था वो बैठा जा रहा था। और जब पूरी पट्टी चेहरे से उतर गई और उसके बाद जेफ ने जब अपना चेहरा देखा, तब वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोना आ रहा था कि वो पहले कितना अच्छा दिखता था, लेकिन अब उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी जिसे देखकर घिन आ रही थी। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वो कई घंटों तक बाथरूम में अपने आप को देखते देखते रोता रहा और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। वो चाहता था कि वो हमेशा हंसता रहे, इसलिए वो सबसे पहले किचन में गया और किचन में उसने चाकू को ढूंढना शुरू किया। उसने एक चाकू लिया और फिर से बाथरूम में आया और शीशे के सामने अपने ही चेहरे को चाकू से फाड़कर उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल बना ली। और उस स्माइल को बनाने के बाद उसका जो चेहरा था वो पूरा खून से लाल हो गया। लेकिन जेफ को काफी मजा आ रहा था, उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके हाथ में धारदार चाकू था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान। जेफ ने अपना पूरा मानसिक संतुलन जो था वो खो दिया था। जेफ को काफी मजा आ रहा था अपने आप को उस रूप में देखकर, और वो पागलों की तरह हंसने लगा। और जब वो पागलों की तरह हंसने लगा, तब जेफ का जो छोटा भाई था वो कमरे में आ गया। जेफ के छोटे भाई ने जब जेफ को देखा, तब उसके मुंह से चीख निकल गई। और जब जेफ ने अपने छोटे भाई को देखा, तब जेफ ने अपने हाथ में एक धारदार चाकू लेकर अपने भाई की तरफ कदम बढ़ाया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने अपने भाई से पूछा, कैसा लग रहा हूं मैं छोटे? जेफ का छोटा भाई इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, कौन हो तुम? हमारे घर में कैसे है? और भैया कहाँ? जेफ का चेहरा इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि उसके खुद के छोटे भाई ने उसे पहचाना नहीं, और वो डर से चीखने लगा। और जेफ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जेफ अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका था और उसके बाद उसने चाकू से अपने भाई को जान से मार दिया। और जब जेफ के पेरेंट्स ने चीखने की आवाज सुनी, जेफ के पेरेंट्स भी जेफ के रूम में आए और उन्होंने फिर अपने छोटे बेटे की लाश को वहां पर देखा और जेफ के हाथ में एक धारदार चाकू देखा। जेफ के पेरेंट्स भी जेफ को नहीं पहचान पाए और वो भी चीखने चिल्लाने लगे। और जेफ ने भी फिर गुस्से में आकर अपने माँ बाप का वही हाल किया जो उसने अपने छोटे भाई का किया था। सुबह सुबह पुलिस आई और सुबह उन्हें घर के अंदर तीन लाशें मिली, जेफ के पेरेंट्स की और जेफ के छोटे भाई की। और जेफ वहां से गायब था। जेफ कहां गया इस बात का किसी को कोई पता नहीं चला। और उसके कुछ ही दिनों बाद वो जितने भी बदमाश थे उन सभी की लाशें उस शहर के नाले से बरामद हुई। और सबकी लाशें इतनी बुरी हालत में मिली थी कि उन लाशों को देखने वाले लोग उल्टियां करने लगे थे।
कहते हैं कि जेफ आज तक पकड़ा नहीं गया है और आज भी वो शहर शहर गली गली में घूमता रहता है। तो ये कहानी थी जेफ द किलर की। इस कहानी में आपने जाना कि कैसे एक लड़का जो कि पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, दिखने में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आपको इस कहानी से क्या मैसेजेस मिलते हैं आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है एक ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर की जिसके बारे में आज तक कोई ठीक तरह से पता नहीं लगा पाया है कि आखिर वो कहां से आया था और कहां चला गया। द रैक। एक परिवार जिसने एक नई जगह पर घर खरीदा था और उस घर के आसपास कुछ ज्यादा घर नहीं थे। उस घर के आसपास काफी बड़े इलाके में जंगल मौजूद था। वो जो इलाका था उसे धीरे धीरे बसाया जा रहा था, इसलिए वहां पर काफी ज्यादा इलाके में जंगल था। और एक ऐसी ही फैमिली वहां पर रहने के लिए आई जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था और उसके पेरेंट्स थे। वो बच्चा आम बच्चों की तरह एकदम आम जिंदगी जिया करता था, स्कूल आना जाना, पढ़ाई करना, खाना पीना, सो जाना, जैसा कि हर आम बच्चा करता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी रात आई जिस रात ने उस बच्चे की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी किस तरह से बदलने वाली है। एक रात जब वो सो रहा था तब तकरीबन रात के 3 बजे उसकी जो आंखें थी वो खुली और उसके बाद जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा उसे देखने के बाद अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। उस छोटे से बच्चे ने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसके बिस्तरे पर एक अजीब सा दिखने वाला पतला सा जीव बैठा हुआ है और वो जीव उस छोटे से बच्चे को देखकर एक अजीब सी हंसी हंस रहा। वो जीव इतना ज्यादा भयानक और डरावना था जिसे देखने के बाद वो बच्चा बेहोश हो गया। दोपहर में तकरीबन उसकी आंखें 2 बजे खुली और जब उसकी आंखें खुली तो उसने घबराते हुए अपने आसपास देखा तो वो जो जीव था वो उस कमरे में नहीं था। उस बच्चे ने चैन की सांस ली और अपने मम्मी पापा को ये बात बताने के लिए उनके रूम की तरफ भागा। लेकिन उसके बाद उसे अपनी जिंदगी का सबसे भयानक धक्का लगा। उस छोटे से बच्चे ने जब अपने माता पिता के कमरे में अपना पहला कदम रखा वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। उस छोटे से बच्चे ने देखा कि उसके माता पिता की लाश उन्हीं के कमरे में पड़ी हुई थी और उसके माता पिता की लाश पूरी तरह से खून से लथपथ थी। और अपने माता पिता की लाश देखने के बाद वो बच्चा रोता हुआ अपने पड़ोसियों के पास भागा और उसने सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताई। और जब उन पड़ोसियों ने घर के अंदर कदम रखा और उन्होंने लाशों को देखा तब उनकी भी हालत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और पुलिस भी कुछ ही देर में वहां पर आ गई। लेकिन उस बच्चे की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। सबको यही लग रहा था कि वो जो किलर था जिसने भी कत्ल किया वो अजीब से कपड़े पहनकर आया होगा और उस बच्चे को लगा होगा कि वो कोई अजीब सा जीव है। किलर कौन था, कहां से आया था, पुलिस इस बात का कोई पता नहीं लगा पाई। और उसके बाद उसी इलाके में कई सारे लोगों ने एक पतले से अजीब से डरावने से जीव को देखे जाने का दावा किया और वो जीव हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा उस छोटे बच्चे ने बताया था। ये बात आग की तरह फैल गई
और लोगों ने उस अजीब से दिखने वाले जीव को नाम दिया द रैट। मजाक, आजकल हर कोई मजाक करता है, दोस्ती में छोटे मोटे मजाक चलते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई मजाक किसी की जान ले ले तब क्या होता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट जो कि काफी ज्यादा शाय थी, उसे लोगों से घुलना मिलना आता नहीं था, वो हमेशा अकेले अकेले रहती थी। स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ाई करना और वहां से घर वापस आ जाना, यही उसकी जिंदगी थी। उसके कुछ क्लासमेट थे जो कि उसके साथ पढ़ा करते थे, उन दोनों का जो घर का रास्ता था वो एकदम सेम ही था, वो एक ही रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे और अपने घर जाते थे। लेकिन तभी एक दिन वो जो लड़की जो कि बहुत ज्यादा शाय थी, वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी और कुछ ही देर बाद उसके जो क्लासमेट थे वो वहां पर आ गए और उन्होंने जब उस शाय लड़की को देखा तब उनके दिमाग में आया क्यों ना मस्ती की जाए, और मस्ती करने के लिए उस लड़की के क्लासमेट ने एक अजीब सा दिखने वाला कीड़ा उस शाय लड़की के कंधे पर रख दिया और उस क्लासमेट ने उस लड़की से कहा, अरे तुम्हारे कंधे पे तो देखो क्या है। उस लड़की ने अपने शोल्डर पर देखा, तब उसने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला गंदा सा कीड़ा उसके शोल्डर पर बैठा हुआ था और उस कीड़े से वो लड़की काफी ज्यादा घबरा गई, जो कि अक्सर होता है। कुछ कुछ लड़कियों को कीड़े मकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते और वो कीड़े मकोड़े देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और वैसा ही कुछ उस लड़की के साथ भी हुआ। वो काफी ज्यादा घबरा गई और वो इतना ज्यादा घबरा गई कि वो उस कीड़े को अपने कंधे से हटाते हुए सीधा रेलवे स्टेशन की पटरियों पर गिर गई और उस बेचारी की किस्मत इतनी ज्यादा बुरी थी कि उसी वक्त वहां पर एक हाई स्पीड में ट्रेन आ गई और उस ट्रेन के नीचे उस लड़की की पूरी आधी बॉडी आ गई, जिसकी वजह से उसके जो पैर वगैरह थे वो सब कुछ, बॉडी का जो नीचे का हिस्सा होता है पेट से लेकर, वो पूरा अलग हो गया और वो लड़की काफी देर तक रेलवे स्टेशन पर ही तड़पती रही और आखिरकार खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कहा जाता है कि उस रेलवे स्टेशन पर एक आत्मा घूमती है जिसके शरीर के नीचे वाला हिस्सा गायब होता है और रात के वक्त कोई भी अकेला इंसान वहां पर होता है तब उसे वही आत्मा नजर आती है, और लोगों ने उस भयानक सी आत्मा को नाम दिया है टेके टेके। कई सारे लोगों ने टेके टेको को देखने का दावा किया है। वो कहते हैं जब वो आती है तब एक ही बात पूछती है, मेरा बाकी का शरीर कहाँ है, मेरा बाकी का शरीर कहाँ है, मेरा बाकी का शरीर कहाँ है। ये पूछते पूछते वो अचानक से हमला कर देती है। हाँ, तो ये थी कुछ अर्बन लेजेंड्स की डरावनी कहानियां। कैसी लगी आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियां पसंद आई और आवाज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एम जो है वो 100 लाइक्स का है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी पूरा कर देंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने खाना नहीं खाया तो खाना खा लीजिए, रात काफी ज्यादा हो गई है।